सो गाइस कॉन्फर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर गाइस आप लोग देखना, नहीं तो गाइस आप लोग बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। आप लोग को फ्री फायर इंडिया आने के बाद आप लोग जो कस्टम एचयूडी होता है वो गाइस आप लोग को डिलीट हो जाएगा। हाँ गाइस आप लोगों ने सही सुना, जो कि गाइस जब भी फ्री फायर इंडिया लॉन्च होगा तो आप लोग जो फ्री फायर मैक्स का जो कस्टम एचयूडी है वो डिलीट हो जाएगा। मतलब गाइस आप लोग को दोबारा सेट करना पड़ेगा। वैसे दिक्कत क्या होगा गाइस, आप लोग गेम ठीक तरीके से खेल नहीं पाओगे, क्योंकि मेन जो हम लोग का काम होता है जो कि कस्टम एचयूडी के अंदर सब कुछ कंट्रोल्स मौजूद होता है। जैसे ही गाइस देखो, मैं जब भी फायर बटन को क्लिक करूंगा तो मेरा ऐसा फायर होगा, एंड ग्लोअल टैप करूंगा तो ग्लोअल लगाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही गाइस आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, इधर उधर आप लोग सेटिंग करोगे तो आप लोग को दिक्कत होगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा जो कि कस्टम एचयूडी का कैसे फ्री फायर इंडिया के अंदर आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो जो कि फ्री फायर मैक्स से। मतलब गाइस काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि गाइस आप लोग को ध्यान में रखना है, तो उसके बाद गाइस आप लोग को पता चलेगा। एंड गाइस उसी के साथ गाइस इंस्टाग्राम आईडी मेरे देख सकते हो, यूजर नेम पीजी का मैं यूज, जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, फ्री में आप लोगों को मैं रिडीम कोड दूंगा जो कि रैंडम बंदे को। तो देर किस बात की, जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। सबसे पहली बात जो कि गाइस आप लोग इधर से देखो, सबसे पहले आप लोग सेटिंग के अंदर आना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद आप लोग को कंट्रोल्स का ऑप्शन के अंदर आना है। देन गाइस आप लोग इधर से कस्टम एचयूडी का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद अभी के टाइम में गाइस कुछ भी सेटिंग वगैरह आप लोग कर सकते हो। जब भी फ्री फायर इंडिया आ जाएगा तब आप लोग सेटिंग करके आप लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ये गाइस मैं आप लोग को बिल्कुल बता दिया। एंड उसी के साथ गाइस इधर से सबसे पहले मैं बैक आ जाता हूं। तो बैक आने के बाद पहले आप लोग को करना क्या होगा, अभी के टाइम में गाइस आप लोग फ्री फायर मैक्स या फ्री फायर खेल रहे हो नॉर्मल वाला, तो आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताना, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस आप लोग सबसे पहले फ्री फायर मैक्स या फ्री फायर मतलब नॉर्मल वाला खेल रहे हो तो सिंपल सा गाइस उसके सेटिंग के अंदर जाना होगा, गेम का सेटिंग के अंदर। गेम का सेटिंग के अंदर जाने के बाद आप लोग इधर से एक ऑप्शन नजर आएगा जो कि आप लोग सेटिंग सीन्स का ऑप्शन आएगा। तो इधर से आप लोग को दो ऑप्शन नजर आएगा, अपलोड एंड डाउनलोड। तो दोनों का काम क्या है, जो कि इधर ही गाइस आप लोग गलती करते हो इसीलिए आप लोग को प्रॉब्लम होता है। देखो गाइस बेसिकली मैं पहले आप लोग को जो रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले गाइस आप लोग को करना क्या होगा, सबसे पहले गाइस आप लोग इधर से अपलोड का ऑप्शन नजर आएगा, पहले गाइस अपलोड का ऑप्शन के अंदर आप लोग को क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद आप लोग इधर से कॉन्फर्म ओके मांगेगा, तो आप लोग को ओके कर देना होगा। ओके कहने के बाद क्या होगा गाइस, आप लोग को कस्टम एचयूडी सेव होगा। कैसे मैं आप लोग को दिखाता हूँ, नॉर्मली मैं सेटिंग के अंदर जाता हूँ, देन कंट्रोल्स के ऑप्शन के अंदर आ जाता हूँ। तो आने के बाद इधर से देखो कस्टम एचयूडी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद देखो गाइस मैं कस्टम एचयूडी को मेरा बिगाड़ देता हूँ, मतलब पूरा एक साथ मतलब ले लेता हूँ, देन सेव कर दिया। देन उसके बाद प्रीसेट मतलब ट्यूब के अंदर भी मैं सेव कर देता हूँ ऐसे कुछ मतलब उल्टा सीधा करके। देखो गाइस कैसे मेरा पहले से था आप लोग देख सकते हो, उसका सेव कर दिया। फिर से प्रीसेट 3 पे भी जाके मैं ऐसे बिगाड़ के आप लोग को दिखा देता हूँ। तो देखो सब कुछ मैं सेव कर दिया। तो अभी देखो मेरा तीनों सेटिंग कैसा है, मतलब गाइस पूरा ही बिगाड़ चुका है। तो अभी मैं कैसे ठीक करूंगा देखो गाइस, तो अभी मेरा नॉर्मल जो पहला सेटिंग था मैं जो किया था वो ही आ जाएगा। कैसे देखो, पहले आप लोग को ओ सेटिंग लेने के लिए सेटिंग के ऊपर क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद आप लोग को इधर से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो इससे डाउनलोड का ऑप्शन के ऊपर आप लोग को क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद इधर कॉन्फर्मेशन आएगा, तो कॉन्फर्म करने के लिए बताएगा, मतलब गाइस ओके कर देना होगा इधर से। तो ओके करने के बाद आप लोग को कंट्रोल्स के अंदर जाना होगा, कंट्रोल्स के अंदर जाने के बाद कस्टम एचयूडी के अंदर जाना होगा। तो देखो इस पहले में जैसे कस्टम एचयूडी मेरा सेव था वैसे ही कस्टम एचयूडी आ चुका है। तो ऐसे ही गाइस आप लोग को फ्री फायर मैक्स के अंदर आप लोग को इसको अपलोड करके रखना है। जब भी फ्री फायर इंडिया लॉन्च हो जाएगा तो उसके अंदर गाइस आप लोग फ्री फायर इंडिया को इंस्टॉल करके उसके अंदर आप लोग को कस्टम एचयूडी को डाउनलोड कर लेना है। तो है ना गाइस आसान तरीका, आप लोग को मैं बता दिया, इसलिए गाइस वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है। आप लोग को पता लग चुका है कैसे गाइस आप लोग को कस्टम एचयूडी को सेव कर सकते हो फ्री फायर मैक्स के अंदर। उसी के साथ गाइस आप लोग फ्री फायर इंडिया के अंदर आप लोग कस्टम एचयूडी को ट्रांसफर कर सकते हो। तो आसान तरीका मैं बता दिया गाइस, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। सो गाइस मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक गाइस टेक केयर, बाय बाय।